हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही नई रेसिपी है और ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो हम कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं दो कच्चे आलू और आलू को मैंने अच्छे से धो करके छील के हटा लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें इनको काट लेना है, बहुत छोटे छोटे नहीं बट रफली चॉप इनको कर लेंगे हम। तो हम इनको काट लेते हैं इस तरीके से। मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं इसके, आप चाहे तो इनको और भी छोटा कर सकते हैं। तो काटने के बाद से अब हमें एक मिक्सचर का जार लेना है। ये कटे हुए आलू हम रख लेंगे और इस मिक्सचर के जार में हम ये कटे हुए आलू को डालेंगे। ये देखिए हमने इतने बड़े बड़े पीसेस किए हैं। अगर आपको ज़्यादा छोटा करना है जिससे कि वो और भी स्मूथली पीस जाए जल्दी से, तो आप और भी छोटा कर सकते हैं। इनको बहुत बारीक हमें ग्राइंड करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से प्याज। इस तरीके से मैंने प्याज को भी रफली चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से काट के लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। दो हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहे तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जिनके हमने छिलके हटा लिए हैं, और इनको हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हमें इनको ग्राइंड करना है, आप चाहे तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको बहुत ही महीन एकदम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए मैंने बिल्कुल महीन ग्राइंड किया है थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये बिल्कुल अच्छे से प्यूरी हो गया है। तो हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से, और इसमें आलू को हमने बाउल में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटोज, एक टमाटर को मैंने ग्रेट करके लिया है। आलू के साथ में हमें नए इनको ग्राइंड करना है, तो मैंने इनको घीस के लिया है, एक मीडियम साइज़ टमाटर। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, काला नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच, सीजनिंग या फिर पिज़्ज़ा मिक्स आप ऐड कर सकते हैं 1/2 टेबल स्पून। आधी छोटी चम्मच हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद डालेंगे गेहूं का आटा। आप इसकी जगह पे सूजी या फिर मैदा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून के करीब में आटा यहाँ पर ऐड करना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इनको आटे को डाल देना है, इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसकी जगह पर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। हम इस अजवाइन को बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं किसी भी बीटर की मदद से, या फिर हैंड मिक्सर से भी आप इस तरीके से इनको मिला लें। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसके लिए धीरे धीरे मिलाएं। ज़रूरत पड़े तो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छे से हम इनको फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब में, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड किया है, और इनको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब में पानी डालेंगे, और इनको हमें अच्छे से मिला लेना है। जिस तरीके से हम डोसे का बैटर बनाते हैं उससे हल्का सा पतला हम इस बैटर को रखेंगे। तो अच्छे से हमें फेंट लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इनको लगातार अच्छे से फेंटेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से फेंट गया है, मैंने इनको तैयार कर लिया है। तो हम इनको रख लेंगे लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए, ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ढक के हम 5 मिनट रख लेते हैं साइड में। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं जो मिक्सचर है वो हल्का सा थिक हो गया है। तो हम इनको फिर से मिला लेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चम्मच से दिखाती हूँ कितना थिक है ये। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया हमारा बैटर, अब हम इनको कुक करते हैं। तो इनको पकाने के लिए हमने यहाँ पर एक गैस पर पैन को गर्म होने रख दिया। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा तेल हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है, आप सिंपल लोहे की तवा भी ले सकते बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर को डालना है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे, और इनको हमें बहुत पतला नहीं फैलाना है और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं उस तरीके से इनको हम तवे पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
ध्यान रहे बहुत पतला हमें नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं करना है, नहीं तो ये पलटते समय टूट जाएंगे। तो हमने इनको फैला लिया है और फ्लेम को हम कम कर देंगे और इनको ढक्कन लगाकर अच्छी तरीके से 2 मिनट हम कुक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए नीचे से ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए हैं और ये पैन से अलग भी हो गए हैं। तो अब हम इनको टर्न कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनहरे हो गए हैं और क्रिस्प भी बहुत है, अंदर से खाने में भी बहुत सॉफ्ट है। ये ब्राउन स्पॉट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो गया है। और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इनको कुक कर लेंगे हल्का हल्का सा प्रेस करके। और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी चिलास भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो सेम तरीके से हमने दोबारा ऑयल नहीं डाला है और उसी पैन पे हमें फिर से चीला को इस तरीके से फैला लेना है और सेम तरीके से हम उनको अच्छे से गोल्डन होने तक कुक करेंगे। टर्न कर देंगे और दूसरे साइड भी अच्छी तरीके से इनको कुक कर लेंगे। आप देख सकती हैं जो जाली जाली जैसी संरचना होती है ना, वो भी इसमें बन गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। हम इनको फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से रोल कर लेंगे, जैसे कि बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है, तो इनको हम इस तरीके से रोल करेंगे और बस फटाफट से सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, साथ में हेल्दी भी है। तो फटाफट बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, बहुत ही मज़ेदार है खाने में। आप इसको हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप मुझे YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और Twitter पे भी ये सब वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और भी नई नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मिलते हूँ अगले एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।